जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो कौन सी साड़ी है जो मैं MTO से ड्राई क्लीनिंग करना ही पसंद करता हूँ और यही रिकमेंड करता हूँ कि इस साड़ी को MTO से ड्राई क्लीनिंग किया जाए। तो ये रहा कलर कॉम्बिनेशन। ये जो डार्क होता है ना, डार्क कलर जो होता है, पिंक हो सकता है, डार्क पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, तो इनको MTO से ड्राई क्लीनिंग कीजिए। टेंशन फ्री ड्राई क्लीनिंग होगा, डैमेज भी नहीं होगा दोस्तों। बहुत बार इन्हीं साड़ियों के ऊपर कलर लग जाते हैं। अगर आप नॉर्मल वाटर सॉल्यूबल केमिकल में अगर ये साड़ी ड्राई क्लीनिंग करते हो ना, तो इन्हीं के कलर स्टेन अंदर लग जाते हैं दोस्तों। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि MTO से ड्राई क्लीनिंग कीजिए, डैमेज फ्री ड्राई क्लीनिंग होगा दोस्तों। तो ये जो साड़ी है, ये हम MTO से ही ड्राई क्लीनिंग करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़े से ऑयल स्टेन वगैरह है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी साड़ी आती है, बट मैं इनको कंपलसरी MTO से ड्राई क्लीनिंग करना ही सजेस्ट करता हूँ। और इसके मैंने चार्ज किए हैं 400 रुपीज। और देख लीजिए दोस्तों, ये है ना, फंगस की वजह से स्वेटिंग, जब साड़ी यहाँ पे पहनी जाती है ना, तो यहाँ पे स्वेटिंग के वजह से ऐसे ही साड़ी रख दिया होगा ना, तो ये स्टेन आया है दोस्तों। तो ये नहीं जाने वाला है, मतलब नहीं जाएगा ये। अगर जब साड़ी पहनी है, स्वेटिंग के स्टेन है, तब भी अगर इमीडिएटली इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत दिनों के बाद में आपने साड़ी निकाली है तो ये नहीं जाएगा दोस्तों, ये कलर ही ब्लैक हो गया है। तो बस चलो इसको ड्राई क्लीनिंग करते हैं, आपको पूरी डिटेल प्रोसेस दिखाऊंगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, धन्यवाद। दिख रहा है ना ये? शाइन आया ना अच्छे से। तो दोस्तों, इस साड़ी को मैं अभी ना धूप में सुखाऊंगा 1-2 घंटे और 100% स्मेल इसमें से चला जाएगा दोस्तों। तो बस, और मैं रिकमेंड करता हूँ ये साड़ी अगर आपके पास हो तो लॉन्ड्री में दीजिए MTO से ड्राई क्लीनिंग करने के लिए। पेट्रोलियम केमिकल से ही ड्राई क्लीनिंग करवानी है, चाहो तो आप हाइड्रोकार्बन से करवा सकते हो, परक्लोरोएथिलीन से करवा सकते हो, बट ड्राई क्लीनिंग के लिए ही ये साड़ी देनी है। पानी में जाने के बाद में हो सकता है कि अगर कोई मतलब थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो कलर अंदर लगना तय है, और लगने के बाद में निकलना पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से।
तो बस यही है, और काफी महंगी साड़ी है ना, तो ये अब क्यों से ही ड्राई क्लीनिंग करो, पेट्रोलियम केमिकल से ही ड्राई क्लीनिंग करो। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, और ये घर पर बिल्कुल भी ना ट्राई करें क्योंकि एक्सप्लोजिव केमिकल है दोस्तों ये, तो डैमेज हो सकता है। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।